भोपाल में मुहर्रम के मातमी जुलूस पर प्रशासन ने पूरी तरह से बैन लगा दिया है। कोरोना के चलते जुलूस पर रोक लगाई गई है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर मुहर्रम पर कहीं भी जुलूस निकाला गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही गणेश उत्सव पर भी सशर्त छूट दी जाएगी। 6 फीट से ज्यादा की प्रतिमा स्थापित नहीं कर सकेंगे। पीओपी से बनी मूर्तियों पर भी रोक रहेगी। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जनता से अपील की है कि वे कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करें। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि चूंकि जो गृह विभाग की गाइडलाइंस हैं वो अभी भी जारी हैं, किसी प्रकार का जूस रैली इत्यादि प्रतिबंधित है, इसलिए मेरा सभी से आह्वान रहेगा कि कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हुए ही त्यौहार मनाया जाए। किसी प्रकार का जनसमूह का एकत्रीकरण और किसी प्रकार का चल समारोह या रैली जो है वो प्रतिबंधित। इस संबंध में हमारी सभी से लगातार बातचीत हो रही है और सभी ने हमें आश्वस्त किया है कि जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए ही मुहर्रम का त्यौहार मनाया। किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकला। एनजीटी के जो गाइडलाइंस हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं, वो सभी पे लागू हैं। उन गाइडलाइंस के अनुसार पीओपी की मूर्तियां पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं, केवल मिट्टी की मूर्तियां अनुमति रहेंगी और जो हाइट है वो भी रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। बहुत बड़ी और ऊँची प्रतिमाएँ बनाने पर प्रतिबंध रहेगा। 5 से 6 फुट से ज़्यादा की प्रतिमाएँ नहीं बनेंगी।